वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिकेट जन की। तो गाइस अभी तक आईपीएल की टीमों ने सारों ने अब अपने कैप्टन का अनाउंसमेंट कर दिया है। और इससे पिछली वीडियो में हम लोगों ने आपको बताया था कि सारी टीमों ने अब अपनी जर्सी भी सिलेक्ट कर लिया। अगर जो आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे तो जाकर के आप लोग देख सकते हैं। बाय द वे आईपीएल स्टार्ट होने में बस कुछ ही दिन बाकी है और यहाँ पर सारी टीमों ने अब अपने आईपीएल के टीम के कैप्टन अनाउंस कर दिए हैं। कुछ के कैप्टन अपडेट हुए हैं और कुछ के कैप्टन बदले गए हैं अपनी ही टीम से। तो आज इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं ऑल 10 टीम्स कैप्टन। तो गाइस वीडियो के साथ बने रहे एंड तक और इस वीडियो को कर दे अभी के अभी लाइक। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस चैनल को कर देना जरूर सब्सक्राइब फॉर क्रिकेट लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी तक रॉयल चैलेंजर बैंगलोर ने अपनी टीम का कैप्टन घोषित नहीं किया था, लेकिन उन्होंने रिसेंटली बैंगलोर में किए इवेंट में उन्होंने बता दिया है अब अपना अगला रॉयल चैलेंज बैंगलोर का कैप्टन कौन होने वाला है। जी हाँ, हमारे होने वाले फाफ डु प्लेसी, यानी कि साउथ अफ्रीका की टीम के जाने माने कैप्टन, जो कि बहुत ही अच्छी कैप्टनशिप के लिए जाने जाते हैं और इनकी बल्लेबाजी की भी काफ़ी अच्छी तारीफें हैं। सो यानी कि आरसीबी की टीम का एक अच्छा खासा कैप्टन चुन लिया गया है, जो है फाफ डु प्लेसी। यानी कि यहाँ पर अब आरसीबी को पीछे मुड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, यानी कि यहाँ पर 5-6 साल के लिए आरसीबी की टीम का कैप्टन बन चुके हैं फाफ डु प्लेसी। तो गाइस अब अगली बात कर लेते हैं अपनी टीम चेन्नई सुपर किंग्स। जी हाँ, पिछले साल डिफेंडिंग किंग अपनी चेन्नई सुपर किंग्स, जिनके कैप्टन होने वाले हैं हर साल की तरह महेंद्र सिंह धोनी, इनकी कैप्टनशिप का कोई जवाब नहीं। जिस हिसाब से चेन्नई सुपर किंग को लीड करते हैं, पिछले कई टाइटल ये लोग जीत भी चुके हैं, तो इस हिसाब से अभी ये चेन्नई सुपर किंग्स को अभी ये कैप्टन देंगे। 2 महीने पहले इन्हें रिटेन कर लिया गया था 12 करोड़ में, एज अ कैप्टन रिटेन करा गया था। तो यानी कि चेन्नई सुपर किंग का कैप्टन होने वाले हैं हमारे महेंद्र सिंह धोनी। अब बात करते हैं अगली टीम, जो है मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस का वही कैप्टनशिप करने वाले हैं वन ऑफ द बेस्ट रोहित शर्मा। जी हाँ, रोहित शर्मा अपनी अब मुंबई इंडियंस को वापस से लीड करने वाले हैं। 5 बार टाइटल जितवा चुके हैं और 6ठी बार टाइटल दिलवाने के लिए कोशिश करेंगे, अपना बेस्ट देंगे। तो यानी कि हमारी मुंबई इंडियंस के कैप्टन होने वाले हैं रोहित शर्मा, जो कि काफ़ी अच्छे कैप्टन हैं और अच्छी खासी बल्लेबाजी भी करते हैं। जिस हिसाब से देखा जाए तो इनका कैप्टनशिप की काफ़ी अच्छी तारीफ है और वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन में ये माने जाते हैं। तो यानी कि मुंबई इंडियंस को एक अच्छा कैप्टन लीड करने वाला है। अब बात करते हुए हम लोग बढ़ते हैं अगली टीम पंजाब किंग्स की। यानी पंजाब किंग्स के पहले तो कह रहे हैं, सुनने में आ रही थी, न्यूज आ रही थी कि शिखर धवन उन्हें नए कैप्टन होने वाले, बट यहाँ पर फाइनल जो निकल के आया वो है मयंक अग्रवाल। तो मयंक अग्रवाल का देखा जाए तो उनके पास कैप्टनशिप का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं, कहीं उन्होंने कैप्टनशिप नहीं करी, लेकिन अगर उनका बैटिंग का स्कोर देखा जाए तो बैटिंग का काफ़ी अच्छा प्लेयर, मतलब काफ़ी अच्छे बैट्समैन रह चुके हैं, काफ़ी अच्छे खासी बल्लेबाजी करते हैं, तो उनका बैटिंग में तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, लेकिन अभी कैप्टनशिप का कोई एक्सपीरियंस नहीं, क्योंकि उनके पास अभी नया कैप्टनशिप का एक्सपीरियंस होगा। तो हमें देखना पड़ेगा कि किस हिसाब से कैप्टनशिप करते हैं। तो बस यही मुझे कुछ लगता नहीं कि मतलब इतनी अच्छी कैप्टनशिप करेंगे, इस साल की परफॉर्म पता नहीं, कुछ कह नहीं सकते मयंक अग्रवाल का। सो फिलहाल अब बढ़ते हैं अपनी अगली टीम। अगली टीम है हमारी लखनऊ सुपर जायंट, जो कि इसी साल नहीं आई है 2022 में। तो इनके कैप्टन होने वाले हैं के एल राहुल। रिटेन कर लिए गए थे, जो कि 17 करोड़ में रिटेन कर गए थे एज अ कैप्टन। सो यानी कि काफ़ी अच्छे कैप्टन होने जा रहे हैं ये, काफ़ी अच्छा इनके पास अब प्रेशर वगैरह बन चुका है, मतलब दिमाग पर जिम्मेदारी आ चुकी है कि कैप्टनशिप करनी है अभी ने लखनऊ की टीम को। तो यानी कि आप लोगों को क्या लगता है कि ये कैसी कैप्टनशिप करेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। सो अब बढ़ते हैं अपनी अगली टीम जो है हमारी, तो बात करते हैं अपनी अगली टीम जो है कोलकाता नाइट राइडर्स। जी हाँ, कोलकाता नाइट राइडर्स के आप लोगों को पता ही चल चुका, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ फैल चुकी है, जो है श्रेयस अय्यर काफ़ी अच्छे कैप्टन होने वाले हैं वो, इसलिए क्योंकि इन्होंने इंडियन टीम से जो परफॉर्मेंस दिया है काफ़ी काबिलियत तारीफ है, और उन्होंने पहले भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस मिल चुका है इन्हें कैप्टन का, क्योंकि इन्होंने पहले दिल्ली की टीम को काफ़ी अच्छा कैप्टन मिला था, मतलब कैप्टनशिप इन्होंने दिल्ली की टीम से करी थी। तो यानी कि अब कोलकाता की टीम से ये काफ़ी अच्छे करने वाले हैं कैप्टनशिप, क्योंकि इनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो चुका है। तो आप लोगों को क्या लगता है, ये कैसे कैप्टनशिप करेंगे, इनके कैप्टनशिप में दम है या नहीं है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, अपने ओपिनियन जरूर शेयर करें, जो कि भाई मजा आता है यार, कमेंट करे करो प्लीज। अब बात करते हैं अपनी लोकल टीम जो है गुजरात टाइटंस। जी हाँ, गुजरात टाइटंस का कैप्टन होने वाला है लोकल बॉय हार्दिक पांड्या। जी हाँ, इनके पास एक्चुअल में देखा जाए तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है कैप्टन का, मतलब आईपीएल में कैप्टनशिप को इनके पास बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन ये आईपीएल 2015 से खेले तो इनके पास काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है बैटिंग और बॉलिंग का। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ठीक ठाक प्लेयर साबित हो सकते हैं, ठीक अच्छे कैप्टनशिप हो सकते हैं, क्योंकि लोकल टीम नई टीम बनी है। सो देखना पड़ेगा भाई क्या होगा। तो गुजरात टाइटन के हमारे नए कैप्टन होने वाले हैं हार्दिक पांड्या।
बात करते हैं अपनी अगली टीम जो है हमारी प्यारी राजस्थान रॉयल्स। जी हाँ, राजस्थान रॉयल्स का एज अ टीज जैसे हर साल से कैप्टनशिप करते आ रहे हैं वही रहेंगे जो है संजू सैमसन। तो यानी कि इनका कैप्टनशिप का काफी अच्छा एक्सपीरियंस है, काफी सालों से एक्सपीरियंस रह चुका, मतलब काफी अच्छे आईपीएल में कैप्टनशिप करते आ रहे हैं। तो यानी कि टीम को अच्छा खासा पावरफुल बनाकर खेल सकते हैं। तो आप लोगों को क्या लगता है ये टीम में कैसा करते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो यानी कि कैप्टनशिप करने वाले हैं राजस्थान रॉयल्स के वो है हमारे संजू सैमसन। अगली टीम की बात करते हैं हम लोग, बात करते हैं सनराइजिंग हैदराबाद। सनराइजिंग हैदराबाद के कैप्टन होने वाले हैं न्यूजीलैंड के कैप्टन, जी हाँ, केन विलियमसन, जो कि काफी अच्छा एक्सपीरियंस और अच्छे खासे कैप्टन माने जाते हैं, वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन में माने जाते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी न्यूजीलैंड की टीम को कैप्टनशिप कर रहे हैं, कैप्टन हैं उनके। तो यानी कि ये भी काफी अच्छे कैप्टन हैं न्यूजीलैंड की, और अब यहाँ पर सनराइजिंग हैदराबाद को कैप्टन लीड करने वाले हैं। तो देखेंगे कि कैसे अच्छे करते हैं। वैसे हर साल तो इन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, इस हिसाब से तो देखा जाए उनको बेस्ट कैप्टन मिल चुका है सनराइजिंग हैदराबाद को। तो काफी अच्छी पावरफुल टीम दिखती है यहाँ पर सनराइजिंग हैदराबाद। तो आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में ओपिनियन जरूर शेयर करें कि आपको क्या लगता है केन विलियमसन कैन से कैप्टन रहने वाले हैं। अब लास्ट टीम की बात करते हैं जो है हमारी दिल्ली कैपिटल। जी हाँ, दिल्ली कैपिटल का पिछले साल वाला कैप्टन रहने वाला जो है 2021 में उन्होंने कैप्टन लिया था, जी हाँ, ऋषभ पंत। पिछले साल उन्होंने बहुत ही अच्छी कैप्टनशिप करी थी दिल्ली की टीम से, तो यानी कि इस साल भी काफी अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। ऋषभ पंत अच्छे खासे प्लेयर भी है और अच्छे टीम के लीडर भी हो सकते हैं। तो आप लोगों को क्या लगता है कि मतलब किस हिसाब से ये कैप्टनशिप करने वाले हैं? और यहाँ पर अगर जो फाइनल रिजल्ट देखें तो हम लोगों को लगता है सबसे बेस्ट कैप्टन MS धोनी और रोहित शर्मा। तो यानी कि यहाँ पर बेस्ट कैप्टन की लिस्ट अगर जो देखी जाए तो सारे तो यहाँ पर बेस्ट ही है, बट सबसे अच्छे कैप्टन हम लोगों को जो लगेंगे, जो अच्छा कर सकते हैं, वो है MS धोनी और रोहित शर्मा होने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंस प्लेयर रह चुके हैं। MS धोनी तो इंडियन टीम के कैप्टन भी कई साल से रह चुके हैं, और रोहित शर्मा भी काफ़ी अच्छे प्लेयर रह चुके हैं, काफ़ी साल से अपनी टीम को 5 बार टाइटल जितवा चुके हैं। तो यानी कि सबसे बेस्ट कैप्टन MS धोनी और रोहित शर्मा रहने वाले हैं। आप लोगों को क्या लगता है कि कौन सबसे बेस्ट कैप्टन होने वाला है? आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में ओपिनियन शेयर करना मत भूलना। और जाने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब